तो गाइस अपनी जिंदगी के हर सफर के काम को पाने के लिए और अपने सपने को पूरे करने के लिए मैंने सोचा नहीं था कि सपना कंप्लीट होगा, बट बोलते ना जो सोचो वो हो ही जाता है। तो भैया मतलब अपने सपने को कंप्लीट करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए और महादेव से मिलने के लिए, तो भैया सब कुछ सेट था, मामला सीन सही था और दोस्त भी राजी थे, हम भी राजी थे। तो जब सब राजी, भगवान राजी, हम राजी, दर्शन करने के लिए कौन मना करेगा। तो भैया सीन कुछ ऐसे थे कि अभी हम कुछ दिन अटे और निकल लिए अपनी ज़िंदगी के उस सरबर की तरफ, जो कभी लगता नहीं तो पूरा होगा पर लगता था पूरा हो चुका है। तो भाई तो तुम समझ ही सकते जो सपना लिटरली जिंदगी का फैट सपना है, मतलब बोल सकते हो। तो भाई मैं अपने सपने को पूरे करने के लिए निकल गई केदारनाथ, तो सबको पता होगा जैसे कि केदारनाथ इज माई ड्रीम। जितना तुमको मैंने बताया पहले ही वीडियो से, अगर तुम देख रहे हो तो नहीं देख रहे हो तो देख लो यार, बट चलो मेन मूवमेंट का तो तुमने पहले वाले पार्ट में देख लिया होगा कैसे मैं अपनी शिगी से रुद्रप्रयाग तक गया और अपने दोस्त के घर पे रहा। सो अब जो दूसरी जो पार्ट है अगला एपिसोड है जो माउंटेन डायरी का, तो इसमें आप देखेंगे कि मैं कैसे केदारनाथ किया और कैसे क्या जो ट्रिप थी और कैसी रही और कैसा मजा आया। इन्जॉय करो इस वाली वीडियो को, समझ लो और क्या करके जाना है, अपनी जिंदगी के मुकाम को हासिल करना तो अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा ना भाई, समझ रहे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत करो और मजे लो जिंदगी के। तो वीडियो पूरी देखो और मजे लो जिंदगी। ये है गर्म कुंड आपका, पानी हमें तो गर्म रहता है, आप देख रहे होंगे हल्का सा उबल भी रहा है और भाप भी निकल रही है। हम जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर पीछे हैं, थोड़ा शुक्ला जी की सांस फूल रही थी तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए। और हर बार मैं सांस फूलता था जंगल चट्टी पहुँच गए, तो हम गणेश चट्टी पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको केदारनाथ धाम की स्वच्छता का थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। यहाँ की स्वच्छता आप देख रहे होंगे, ये पैदल मार्ग है। हम बहुत ऊपर आ चुके हैं गाइस, तो यहाँ से संतोष भैया के साथ तुम लोगों ने मजे लिए ब्लॉग के, बिल्कुल तगड़े वाले ऊपर से लेके नीचे तक का ब्लॉग संतोष भाई ने बनाया हमारे कोई प्रॉपर तरीके से, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या। अपने मम्मी को भी समझाओ तुम, ठीक है। सो गाइस हम लोग जंगल चट्टी पहुँच चुके हैं जो कि गौरीकुंड से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और जंगल चट्टी से अब हम गरुड़ चट्टी पहुँचेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी से मतलब थोड़ा सा आगे ही पहुँच चुके हैं। जंगल चट्टी हमने नीचे छोड़ दिया था और अब यहाँ थोड़ा सा धूप लगी है तो हम थोड़ा ठहर रखे हैं, लेकिन अगर आप आए तो बिल्कुल बिल्कुल चीतला मौसम है, श्रद्धा से आए। हाँ जी बिल्कुल, ये गनमैन चल रहे हैं यहाँ के, बिल्कुल श्रद्धा से आए, बिल्कुल मन लगा के तब यहाँ ऊपर तक पहुँच सकते हैं। सो एवरीबॉडी कोई बात नहीं, इंग्लिश कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई लोगों सभी को शुक्ला जी के जितने भी। सो भाइयों बहनों सुनो, और उनके बड़े भाइयों बहनों और लपन चलना को लेकर। सो भैया रास्ता बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं, बहुत मस्त है और ट्रैक बहुत प्यारा है। लाइक इस बार कर रहे केदारनाथ, बट जल्दी नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ मैं तुंगनाथ या केदारनाथ या बद्रीनाथ का प्लान बिल्कुल पक्का वाला है, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो भैया सामने तुम वाला झरना देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है, तो यही तो स्वैग है भाई, समझ रहे हो। तो भैया मज़ेदार और एकदम मस्त थक लग गया यार हमें, क्योंकि बैग का वजन इतना ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी वजन वजन होता है, बट जो मज़ा पैदल चलने में आता है वो मज़ा वैसे नहीं आता है, समझ रहे।
तो शुक्ला जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल। जो ये लोग गाने बजा के आते हैं तुम इंजॉय करने के लिए आ रहे हो दर्शन करने आ रहे हो? एंजॉय करने आ रहे दर्शन करने, वो उनका पर्पज है किस हिसाब का। लेकिन आओ छोटा भाव से भोलेनाथ की नगरी में। और गाने भले आपको सुनने का मन हो तो कोहिनूर वगैरह जैसे गाने न सुने, आप भोलेनाथ के भजन सुन सकते हैं। सोचा नहीं दोबारा चेहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमकीता। तो दोस्तों हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है यहाँ से, जो कि अभी जिसने वो दे दिया क्या कहते हैं उसका नाम, नोटिफिकेशन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली और इसके बाद हम चलेंगे रामबाड़ा। रामबाड़ा पहुंच के आप लोगों को फिर से एक बार पूछे मिले। लेते हैं आप लोगों से संवाददाता जय भोलेनाथ, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड की जय। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमरामैन उत्कर्ष शुक्ला के साथ, मैं हूँ संवाददाता संतोष फ्रॉम उत्कर्ष शुक्ला यूट्यूब चैनल। नदी है ये, मार्केट जाने की नहीं कि भयंकर महंगाई तो हो गई यार, जब इतना है कि नहीं ऐसे पीठ में लात के ले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो गाइस सामने का जो व्यू हमारा एक नंबर, मंदाकिनी नदी और बेस्ट व्यू है यहाँ का, और मज़ा आ गया एकदम, सब देख के ना सुकून मिला, बोल रहे हो सुकून, समझ रहे हो ना, वो सुकून मिला। तो देखो तुम भी जरा भाई साहब, ये व्यू बहुत प्यारा है। और ये पुल है, यहाँ से पार करने के बाद आपको सीधे ऊपर की तरफ, सीधे ऊपर केदार घाटी सामने उधर जाना है। सामान बांध, सोचा नहीं दोबारा चेहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे। तो प्रतर कैसा लगा भैया? बहुत हालत खराब हो गई संतोष भाई, बहुत हालत खराब हो गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तुमने बोल बोल। और ये सामने हिमालय आपको दिख ही रहा होगा, अभी हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन मुझे तो मुश्किल लग रहा, दो बजा चुके, ए सॉरी 12 तो बजा चुके हैं शुक्ला जी। 1 बजे का टाइम पीटो भूल गया क्या? और शाम तक, कल तक तो वहीं रहना है भाई, पहुँच जाओ बस, पहुँच जाओ बस महादेव। कल नीचे आना है ठीक है, सुबह। तो गाइस हम पहुंच चुके केदारनाथ धाम, हमारे साथ शुक्ला जी पहुंच चुके हैं, और आएगा जो नज़ारा बहुत ही झक्कास है। आगे चलते हुए आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में।
मुझे घर नहीं, इनको बेचारों की है जड़ वे। ये जो चमकी तारे में पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिप डरात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई है 3515 मीटर। तो महादेव की नगरी में हम पहुंच चुके हैं, ये हेलीपैड है। कैसा लग रहा शुक्ला जी? फिर एकदम आखिरकार पहुंच ही गए बाबा बर्फानी के श्री चरणों में। सुबह से चले हैं हम, अभी पहुंच रहे हैं हम 4 बजे। हाँ पहुँच तो जल्दी जाते लेकिन शुक्ला जी थोड़ा सा धीरे चलते हैं, इस चक्कर में जगह जगह पर रुकते रहे, बैठते हुए चले। लेकिन यहाँ पहुँच के जो जन्नत है वो कहीं नहीं है, सब धाम की अपनी अपनी विशेषता है, कहीं कुछ यहाँ के अपना महत्व है। महादेव की नगरी में आखिरकार प्रवेश कर चुके हैं। सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा मैं। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वे। ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिप डरात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे। किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। Oh, my God.